जय हिंद साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो वीडियो की श्रृंखला आपने स्टार्ट की थी उसमें आज अपना अध्याय है। जो पीछे जो सिलेबस था उसमें तो इसको हटा दिया गया है, वैसे तो इस पुरानी जो बुक है उसमें तो छठा अध्याय है, परंतु नई बुक है उसमें ये पांचवा अध्याय है। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर जो बहादुर सिंह है इनकी अपने यहाँ पे जो कविता ली गई है वो ली गई है, उषा कविता ली गई है। अब शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन परिचय है उसके बारे में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। जन्म हुआ इनका 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, जो अब क्या है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में स्थित है। शमशेर जो बहादुर सिंह है इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को उत्तराखंड में और पहले क्या है जो देहरादून हुआ करता था। अब इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की अगर अपने बात करें तो रचनाएं देखो, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, और इन्होंने क्या है उर्दू हिंदी को उसका संपादन किया था। और शमशेर बहादुर सिंह है ये स्वयं को क्या है हिंदी और उर्दू दोनों के बीच का क्या है अपने आप को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, हिंदी और उर्दू के बीच का दोआब। दोआब मतलब इन दोनों को जोड़ने वाला, इन्होंने इनको किसी और ने नहीं कहा, इन्होंने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब माना है। अब आगे देखें तो पुरस्कार की बात करें, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला थे, एक तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कबीर सम्मान मिला है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून में, जो अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचना इनकी कौन सी है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी को उसका संपादन किया था। साहित्य अकादमी कबीर सम्मान ये पुरस्कार मिले हैं। 1993 में इनका निधन हो गया था, अहमदाबाद में निधन हुआ था, और इन्होंने स्वयं को क्या है हिंदी और उर्दू दोनों के मध्य का क्या है दोआब कहा है। फिर आगे डायरेक्ट अपने चलते हैं सीधा कविता पे, इनकी कौन सी कविता ली गई है, बहुत ही शानदार कविता है, बिल्कुल छोटी सी कविता है। इन्होंने किस प्रकार का वर्णन किया है, उषा जो कविता है इस कविता में इन्होंने वर्णन किया है जो सुबह सुबह का जो आकाश होता है उस आकाश का वर्णन किया है इन्होंने। और क्या बताया है देखो, इन्होंने कहा है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी कि ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह का जो आकाश था, सुबह सुबह का जो नभ था यानी कि आकाश था वो क्या है कैसा था, वो शंख की तरह नीला था। कवि शमशेर बहादुर सिंह वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः यानी कि सुबह का जो नभ था वो बहुत नीला था शंख की तरह। आगे कहते हैं भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो अभी अभी गीला पड़ा है, और जो भोर अर्थात जब सूर्य उदय होने से पहले जब रात्रि का अंत होता है, रात्रि जा रही होती है और उसके बाद में जब सूर्य उदय होने से पहले जो आकाश होता है उस आकाश में क्या है लालिमा छाई हुई होती है, और उस लालिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कवि का उस समय क्या मौसम होता है, उस समय जो भोर का नभ है वो राख से लिपे हुए चौके के समान होता है। मतलब जो अपनी रसोई है, इन्होंने क्या ग्रामीण अंचल के उदाहरण लिए हैं सारे के सारे, और जो बिंब प्रदर्शित किए हैं वो ग्रामीण अंचल के ही प्रदर्शित किए हैं, और वो बता रहे हैं कि भोर का नभ राख से लिपे हुए चौके के समान, अर्थात रसोई में जो राख से लिपा हुआ चौका होता है उस चौके के समान दिखाई दे रहा है, और उसकी जो उसका जो कालापन है अर्थात सुबह सुबह क्या है रात्रि बिल्कुल काली होती है और उसके बाद में जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो वो दोनों कलर क्या है मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के पश्चात किस प्रकार का कलर हो जाता है वह यहाँ पे ये बता रहे हैं, जिस प्रकार राख का रंग होता है ना उस राख के रंग का मौसम हो जाता है, ना तो वो बिल्कुल लालिमा लिए होता है और ना ही वो क्या है कालापन लिए होता है, दोनों का मिक्स रूप वो क्या है राख जैसा बताया है, और उसमें क्या है एक शीतलता होती है, और शीतलता को देख कर वो क्या है उसी से वो अंदाजा लगाते हैं कि जो अभी अभी गीला पड़ा है, गीला पड़ा है अर्थात उसमें क्या एक सिलाप होता है, गीलापन होता है, उसी गीलापन का तात्पर्य इन्होंने लिया है कि उसमें क्या होता है शीतलता होती है। आगे क्या बताते हैं, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाल किसी ने, लाल खड़िया चाल किसी ने मल दी हो। आगे कवि क्या कहते हैं देखो, ये बता रहे हैं कि बहुत काली सील मतलब अभी मैंने आपको बताया कि सुबह का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है रात्रि जा रही होती है, जो भोर होती है उसमें क्या होता है रात्रि तो जा रही होती है और सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय होने के कगार पर है, उस समय किस प्रकार से मौसम दिखाई देता है, मौसम दिखाई देता है कवि ने यहाँ बिंब का प्रयोग किया है, और बिंब का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि जैसे काली सील है उस पर लाल केसर से उसे क्या है धो दिया हो, अर्थात प्रातः का जो सुबह सुबह का जो मौसम था, भोर का जो मौसम था वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि किसी काली सील पर पत्र होता है ना काले रंग का, उसी प्रकार से कोई
काले रंग का पत्थर है, उस काले रंग को रंग के पत्थर को क्या है, लाल केसर से धो दिया हो, इस प्रकार से सुबह का मौसम लग रहा है। या फिर दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है कि स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट का रंग कैसा होता है, न तो वो काला होता है न ही वो भूरा होता है, बिल्कुल इनके बीच का रंग होता है। और उस रंग को क्या है, इन्होंने बताया कि लाल खड़िया चाक से, यहाँ पे लाल खड़िया है वो क्या है, जो सूर्य है, इस सूर्य का जो सूर्य की जो लालिमा है, उस लालिमा का प्रतीक लिया है लाल खड़िया चाक। और स्लेट, स्लेटी रंग किसका लिया है, जो रात्रि का जो मौसम था, जो कालापन लिया हुआ था, जो रात का मौसम था, जो कालापन लिया हुआ था, इसको यहाँ पे इन्होंने माना है। ये मान रहे हैं कि रात का मौसम, रात का जो समय था या जो रात्रि का जो कालापन है, उस कालेपन पर इस प्रकार से लग रहा है कि सूर्य की जो लालिमा है, उससे पहले का जो मौसम होता है वो स्लेटी है। उस स्लेटी पर किसी ने क्या है, खड़िया चाक लाल रंग की मलदी हो, नील जल में या किसी की घोर झील मिलते हैं जैसे हिल रही हो। आगे कवि क्या कहते हैं, वो बता रहे हैं इस प्रकार से मौसम लग रहा है कि जो नीला मौसम है ये देखो बहुत ही शानदार है। इसको देखो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो। यहाँ पे क्या है, नील जल किसको माना है, नील जल तो माना है आसमान को, और गोर झिलमिल दे किसको माना है, ये माना है सूर्य को, और नील जल माना है आकाश को। अब देखो किस प्रकार से माना है, नील जल जैसे जल होता है वो क्या नीला होता है, आसमान भी कैसा होता है, नीला होता है। और जो सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वो क्या है, बिल्कुल ही लालिमा कम लिए हुए होता है, तो उसको क्या है, गोर झिलमिल दे माना है। यहाँ पे एक नायिका का भी साथ में वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक नायिका नीले जल में किसी झील में से नहा करके निकलती है, उसी प्रकार से क्या है, सूर्य निकल रहा है। जिस प्रकार नायिका या फिर कोई स्त्री है वो क्या है, जो पानी की झील होती है या कोई तालाब होता है उसमें से निकलती है, उसका गोर झिलमिल दे है जैसे, उसका गोर झिलमिल दे है, देह मतलब जो शरीर है, जिस प्रकार से वो झिलमिलाती है या बाहर निकलती है, उसी प्रकार से क्या है, जो आसमान है उस आसमान में से जो सूर्य निकल रहा है वो एक स्त्री के समान दिखाई दे रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जादू टूटना अर्थात इस प्रकार का ऊपर जितना भी वर्णन इन्होंने किया था वो क्या है, एक प्रकार से इन्होंने उसका जादू के रूप में वर्णन किया, और बता रहे हैं कि वो जादू अब टूट रहा है, मतलब अब सूर्य उदय हो रहा है। वो जो आसमान की लालिमा थी, जो कालापन था, स्लेटी रंग का था, खड़िया चाक थी या फिर जो काली सील थी, उस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया और वो कहा कि वो अब क्या समाप्त हो रहा है और अब सूर्य उदय हो रहा है, तो क्या है, जादू टूट रहा है। बिल्कुल ही छोटी सी कविता है, आपके अगर व्याख्या में आए तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रत्येक पंक्ति का आपको वर्णन किस प्रकार से करना है। बिल्कुल आसान भाषा में आप याद रखें इसको। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सुबह का जो आकाश था वो क्या है, बहुत ही नीला था, शंख की तरह नीलापन दिखाई दे रहा था। भोर का नभ राग से लिपे हुए चौके के समान, अर्थात भोर का या सुबह का जो नभ था या आसमान था वो इस प्रकार से लग रहा था कि राग से लिपे हुए चौके के समान हो, अर्थात उसमें क्या है, कवि ने बताया कि वो अभी गीला पड़ा है, गीला पड़ा है मतलब उसमें क्या है, शीतलता का कवि को आभास हो रहा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कभी बता रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने से पहले जो लालिमा दिखाई देती है और रात्रि का जो कालापन होता है, इन दोनों के बीच का जो है, इन्होंने वर्णन करते हुए बताया कि वो इस प्रकार लग रहा है जैसे किसी काली सील को, काले पत्थर को लाल केसर से धो दिया हो, इस प्रकार से वह दिखाई दे रहा है, या वह दिखाई दे रहा है स्लेट पर लाल खड़िया चाक चलाने के समान। यहीं पर आपको वो सेम लाइन लिखनी है कि रात्रि के कालेपन में जो सुबह सूर्योदय से पहले की जो लालिमा दिखाई देती है वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे किसी स्लेट पर लाल खड़िया चाक चला करके छोड़ी हो। फिर है नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो, जो नीला जल होता है या फिर जो जिस प्रकार से झील होती है, उस झील में से एक नायिका या फिर कोई एक स्त्री है वो नहा करके निकलती है, उसी प्रकार से आसमान से जो सूर्य उदय हो रहा है वो क्या है, वो इस प्रकार लग रहा है जैसे आसमान से कोई सूर्य उदय इस प्रकार हो रहा है जैसे कोई नायिका क्या है किसी झील से नहा करके निकल रही हो। पंजाबी गानों में या फिर जो हॉलीवुड या बॉलीवुड के जो गाने होते हैं उनमें आप देखते होंगे जो नायिका होती है वो किसी झील से निकलती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार शमशेर बहादुर सिंह ने भी वो वर्णन किया है। शायद तक उन्होंने कोई ऐसी इस प्रकार की कोई पिक्चर देखी होगी, हो सकता है, अपने को तो क्या पता। उसी प्रकार इन्होंने वर्णन किया कि कोई नायिका है
जिस प्रकार से झील से निकलती है उसी प्रकार से सूर्य उदय क्या है, आकाश रूपी झील से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या है, और जादू टूटता है इस उषा का। जादू टूटना अर्थात यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार भी इन्होंने वर्णन किया था वो वर्णन सारा क्या है, अब वो जादू था, वो जादू क्या है, समाप्त हो रहा है, अर्थात सूर्य उदय हो गया और जादू टूट गया। धन्यवाद साथियों, छोटी सी कविता थी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा जो चैनल है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।